टीवी सीरियल बरसाते में आराधना बहुत ज्यादा परेशान है ये सोच सोच कर कि रियांश ने किमाया से शादी करने का डिसीजन आखिर लिया क्यों है। फाइनली आराधना की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ेगी जब उसे रीजन पता चलेगा। खुद रियांश आराधना को बताएगा कि किस तरह से आराधना की माँ जो मिमी है उसने तो कम से कम उसे छोड़ दिया था, लेकिन रियांश की माँ कादंबरी देवी ने तो उन्हें छोड़ा भी नहीं और रियांश और उसके पापा को हमेशा अनवांटेड वो फील करवाती रही और हमेशा ये दिखाती रही कि किस तरह से उनके प्यार के रास्ते के सबसे बड़े ऑब्स्टेकल्स रियांश और उसके पापा है और इस तरह से उसने अपना पूरा बचपन जिया है। रियांश अपने दिल की बात शेयर करता है आराधना से कि किस तरह से कादंबरी देवी ने हर कदम पर उसे अनवांटेड फील करवाया है और अब वो उस चीज का बदला लेगा। कादंबरी देवी के प्यार वीरेन खन्ना से और उनकी सबसे चहेती बेटी किमाया से। ये सुनकर आराधना काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि जब रियांश बदला लेने पर आता है तो वो कोई लिमिट नहीं देखता है और हर हद को पार करता है और रियांश इस बार भी ऐसा करने पर तुला हुआ है। उसके अंदर एक अलग ही आग नजर आएगी आराधना को, जहां पर रियांश के लिए उसे बुरा भी लगेगा, साथ ही साथ वो किमाया के लिए घबरा भी जाएगी कि उसके साथ ऐसा रियांश क्या कर देगा कि किमाया पूरी तरह से टूट ही ना जाए। लेकिन अपने इरादों में बहुत ही ज्यादा पक्का नजर आएगा रियांश और इस बार आराधना के कहने पर भी वो नहीं रुकेगा क्योंकि ये उसके बचपन का ट्रॉमा है, ये उसकी माँ से रिलेटेड चीज है और उसकी माँ से रिलेटेड चीजों पर ही रियांश टॉक्सिक बिहेवियर दिखाता है। एक बार फिर से वो उसी मोड पर आ चुका है जहां से आराधना उसको एक बार खींच कर लाई थी और एक बार फिर से आराधना उसे उसी जगह से ही वापस लेकर आएगी और ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। रियांश इतने गुस्से में होता है कि वो आराधना को भी वॉर्न कर देता है कि अगर वो भी रियांश के रास्ते में आई तो वो उसको भी बर्बाद कर देगा और हर किसी को यही लग रहा है कि आराधना को बर्बाद करने के लिए रियांश जरूर आराधना के पैदाइश की सच्चाई मिमी और उसकी पूरी फैमिली को बता देगा, जो कि फैंस तो चाहते ही है कि ऐसा हो।